I start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello listeners and dear students. I hope you are enjoying good health. Today again with some common sentences of English to improve English. These sentences are of your common life, your common daily life, and if you speak, if you practice these sentence sentences into your daily life, your English must be improved. So, first sentence is Mera Chehra dulao. मेरा चेहरा दुला दें तो आप बच्चों को ये सिखाएं कि बच्चे क्या कहें प्लीज़ हेल्प मी वॉश माय फेस प्लीज़ हेल्प मी वॉश माय फेस ये वॉश कहना है ये फेस कहना है इसलिए मैंने आपको फनीटिक साउंड सबसे पहले पढ़ाएं अपने चैनल चे, पर ताकि आपको प्रोनाशिएशन का कोई मसला ना होना चाहिए ताना मारने की जरूरत नहीं है अक्सर हम कुछ हम मदद कर देते हैं कुछ काम कर देते हैं तो अक्सर लोग फिर हमें ताने भी मारते हैं ये हमारे डेली रूटीन का ये एक बड़ा ही अलमिया है कि बहुत लोग हमें ताने मारते हैं तो उनको आप इंग्लिश में कहें अगर नो नीड टू टोंट टोंट करना होता है ताने मारना बोली मारना आवाज़ें कसना तो उसको टोंट कहते हैं नो नीड टू टट वो बहुत शक्की है अक्सर हम कहते हैं डेली कहते हैं कि वो शक करता है तो अगर शक्की ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं औरतें होती हैं शी इज स्केप्टिकल स्केप्टिकल के से भी है और सी से भी है और स्केप्टिकल एसेज भी हैं बर्टर रसल के लिखे हुए हैं वहां से ये ए, मैंने सेंटेंस लिया वो बहुत शकी है स्केप्टिकल so हर बात पे ए, शक करना नॉट द विल टू बिलीव विल टू डाउट ये रास्ता सुनसान है मतलब बेअबान है इट इज अ डेजर्टेड पाथ और राउट पाथ भी कह सकते हैं राउट भी कह सकते हैं डेजर्टर डेजर्ट से निकला है सुनसान है खाली है डेजर्ट खाली होता है एम्प्टीनेस मुझ पर बहुतान है मतलब इल्जाम लगाया हुआ किस पर अक्सर हम कहते हैं कि नहीं ये मुझ पर बहुतान है इल्ज़ाम है आई हैव हैव बीन बीन आई लगा दिए इसमें हमने पर, बीन का यूज करके बताया पैसिव सेंटेंस बता दिया वो बहुत लाडली है वैसे तो लड़के भी लाडले होते हैं लड़का हो या लड़की माँ बाप के लिए तो होते हैं तो शी इज वेरी पेम्पर्ड पेम्पर्ड वैसे तो होता है कवर किया हुआ तो जो लाडला होता है उसको हर कोई कवर करता है हर लिहाज से उसको प्रोटेक्ट करता है तो उसलिए कहा गया जी वो बहुत लाडली है शी इज वेरी पेम्पर्ड जैसे आपकी मर्जी अक्सर हम कहते हैं जी क्या करें तो हम अक्सर से ये फ्रेज आगे से बोल देते हैं जी जैसे आपकी मर्जी जैसे आप कहें जो आप चाहें ये कॉमन सा एक फ्रेज है हमारे डेली रूटीन का सो टू स्पीक लाइक दैट प्लीज सो हम हम कह सकते हैं बड़े को भी छोटे को भी ए प्लीज़ अगर कोई कहे जी क्या खाना है तो हम कह सकते हैं उसको ए प्लीज़ कोई आपको कह सकता है सैर के लिए कहाँ जाए सो यू कैन से ए यू प्लीज तुम क्या करने वाले हो जी के अब अक्सर हम पूछते हैं जी क्या करने जा रहे हो आप क्या काम कर रहे हो फ़ोन पे अक्सर ये कहते हैं हम क्या कर रहे हो व्हाट आर यू अप टू व्हाट आर यू अप टू अपने काम की तरफ ध्यान दो ये टीचर्स अक्सर बोलते हैं बच्चों को माएं बोलती हैं अपने बच्चों को या बड़े भी बोलते हैं कि चलो भाई आप अपने काम को ध्यान दो हमारी बातों में ना अटेंड टू योर वर्क अकल की बात करो अक्सर हम कहते हैं कि नॉनसेंस नहीं करें जरा तमीज से बात करें तो उसको हम कहते हैं टॉक सेंस टॉक सेंस अकल से बात करो वो बहुत बुरी मौत मरा जब एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ट्रेजिक डेथ होती है तो हम उसको कहते हैं वो बहुत बुरी मौत मरा अ मीजरेबल डेथ मीजरेबल डेथ आप मेरी बात नहीं समझ रहे अक्सर हम कहते हैं बात करते हुए तो हम कह देते हैं कि यार तुम मेरी बात नहीं समझ रहे तुम मेरी पॉइंट नहीं समझ रहे मैं ये नहीं कहना चाह रहा मैं मेरा मतलब ये है तो उस वक्त हम जो इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट फॉलोइंग मी आप मेरी बात नहीं समझ रहे मैं जो कह रहा हूँ आप उसको रॉन्गली समझ रहे हो वो कदर पुराने ख्याल का है अक्सर हम बड़े जो होते हैं जो क्या करना चाहिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े सारे पुराने ख्याल के होते हैं लेकिन जो यूथ है हमारी वो हमेशा से ही बड़ों को या जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको कहते हैं किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन सेंटेंस में अगर वाकई कोई है पुराने ख्याल का तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं एक दिन छोड़कर आया करो वो कहते हैं ना रोज रोज का आना इज्जत गवा देता है so so आजकल कोरोना है तो हम बच्चों को भी कहते हैं कि एक दिन छोड़कर आए कम ऑन डे यहां किस चीज की कमी है अक्सर हम कहते हैं कि आपको सब कुछ तो मिला हुआ है किस चीज़ की कमी है वाट इज लैकिंग हेयर किस चीज़ की कमी है ओके लिसनर्स थैंक यू आज के जो फिफ्टीन सेंटेंसेस थे वो कंप्लीट हुए उम्मीद है आप इन सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करेंगे इनको प्रैक्टिस करेंगे और डेली लाइफ में पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी ओके थैंक यू